हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। माय नाम वासुकी पारसला। तो आज के इस वीडियो में लिख रहा हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ सरकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का जो है मॉडल पेपर 5। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सरकारी बैंक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्ले लिस्ट बनाया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया था और 25 जुलाई 2000 को जो है श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत कब किया गया था? 25 जुलाई 2000 को। और पारित कब किया गया? 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया। पारित का मतलब क्या होता है? पारित का मतलब होता है कि छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को लोकसभा में स्वीकृति मिली। ठीक है। रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? रायगढ़ जो है केलो नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें केलो लिखा गया है लेकिन केलो नदी के किनारे बसा हुआ है रायगढ़। ठीक है। केलो नदी का उद्गम स्थल जो है रायगढ़ जिले के घरघोड़ा तहसील के रुड़ेंग पहाड़ी से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई है 190 किलोमीटर। और केलो नदी जो है महानदी की एक सहायक नदी है जो उड़ीसा के केगुदुम नामक एक गाँव के पास महानदी से जोड़ता कर मिल जाती है। लाल दोमट मिट्टी किस जिले से प्राप्त होती है? लाल दोमट मिट्टी जो है बस्तर से प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य को किस सन में अभयारण्य घोषित किया गया था? तो 1975 में अभयारण्य घोषित किया गया था अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य को, जो कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले और डिंडोरी जिले में ये 557.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे जो है फैला हुआ है। और छत्तीसगढ़ में 11 वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है बादलखोल। वन्य जीव अभयारण्य का जो है सेपरेट डिटेल वीडियो जो है बनाया गया है इस चैनल द्वारा, आप जाकर देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। छत्तीसगढ़ राज्य पर ओडिशा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? जो छत्तीसगढ़ राज्य व ओडिशा के मध्य जल बंटवारे को लेकर इंद्रावती नदी पर जो है जल विवाद चल रहा है। ठीक है। जल बंटवारे को लेकर एक विवाद चल रहा है इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी जो है ओडिशा के कालाहांडी जिले से हुआ है उसका उद्गम, जिसकी लंबाई है 240 किलोमीटर। ठीक है। 240 किलोमीटर है इसकी लंबाई, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटरफॉल का निर्माण करती है और भारत का सबसे जो कि नायग्रा वाटरफॉल का बनाती है। ठीक है। इंद्रावती नदी। बेलाढीला से लोह अयस्क निर्यात कहाँ किया जाता है? तो बेलाढीला से लोह अयस्क निर्यात जो है जापान में किया जाता है। देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जो है कोरबा माइंस के बारे में आपने सुना होगा। तो गेवरा माइंस जो है जो कि कोरबा में स्थित है वो जो है देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पर निर्भर जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो 75% है। छत्तीसगढ़ का पहला चीनी कारखाना कहाँ खोला जा रहा है? तो कबीरधाम में खोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ अंचल की प्रथम इस्पात फैक्ट्री के संस्थापक कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ अंचल की प्रथम इस्पात फैक्ट्री के संस्थापक जो हैं कांजी भाई मोरारजी राठौर जी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क जो है भिलाई में प्रारंभ किया गया है। सरहुल किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो उराव जनजाति का जो है पारंपरिक नृत्य है सरहुल। चंदेनी बूंदा क्या है? चंदेनी बूंदा जो है एक लोकनाट्य है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पेंशनर्स की महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है 4% की वृद्धि की गई है पेंशनकर्ता को। छत्तीसगढ़ राज्य का 26वीं अखिल भारतीय मन खेलकूद प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद में जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले को बेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप गोवा में कितना पदक मिला है? तो 2 पदक मिला है छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले को। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट का हिस्सा हरे भारत कुमार छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित हैं? दुर्ग जिले से संबंधित हैं। चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिकी कौन है? तो चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिकी जो है विकास श्रीवास बिलासपुर के रहने वाले हैं। चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर के प्रोजेक्टर मैनेजर खुशबू श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो रायपुर जिले से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय भोजली महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रीय भोजली महोत्सव 2023 रायपुर में आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर कब आई थी? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर 31 अगस्त को आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने स्वलिखित आत्मकथा बैटल नोट एक ओवर भेजती है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है विश्वभूषण हरिश्चंद्र द्वारा लिखित आत्मकथा बैटल नोट एक ओवर जो है भेज दिया गया है। तो एडीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एडीबी का पूर्ण रूप है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि इसका जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय है मॉडलू यंग में, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका उद्देश्य जो है आर्थिक विकास के लिए किया गया था और इसके मेंबरशिप में 68 देश शामिल हैं। ERC में संक्षिप्त आर के विस्तार कीजिए। तो ERC में जो है रिकंस्ट्रक्शन जो है संक्षिप्त रूप है आर का, ठीक है, यानी कि विस्तारित रूप है रिकंस्ट्रक्शन आर का। इसका फुल फॉर्म है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों की खराब संपत्ति को खरीदती है ताकि जो है बैलेंस शीट साफ कर सके बैंक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं PLR का पूर्ण रूप क्या है। तो PLR का पूर्ण रूप है प्राइम लैंडिंग रेट, ठीक है, जो बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक ब्याज दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NII से संक्षिप्त N को विस्तारित करिए। तो NII का फुल फॉर्म है नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम है जिसका विस्तारित रूप है नेट का, यानी कि N का ऑप्शन डी नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCLR का पूर्ण रूप मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लैंडिंग रेट है, ठीक है। तो MCLR का जो फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लैंडिंग रेट है, जो कि निधि आधारित उधार दर जो कि सीमांत लागत एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जो RBI के बिना अनुमति के जो है कुछ मामलों को छोड़कर जो है किसी को वो जो है उधार नहीं देती है बिना RBI के परमिशन के। BSR का पूर्ण रूप क्या है? तो BSR का पूर्ण रूप है बेसिक स्टैटिकल रिटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDR का पूर्ण रूप क्या है? तो CDR का पूर्ण रूप है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। BCPS का पूर्ण रूप डैस कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है। तो इसका पूर्ण रूप है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIPB का पूर्ण रूप क्या है? तो FIPB का पूर्ण रूप है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है GDR किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
जीडीआर जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के लिए प्रयुक्त किया गया है। आईसीएओ में ए को विस्तार करें तो आईसीएओ में जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एब्रीवेशन लिखा गया है इसमें, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो एविएशन जो है, ठीक है, एविएशन इसका फुल फॉर्म है। जो कि एक एजेंसी है, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक एजेंसी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ए एन बी सी का पूर्ण रूप क्या है। तो ए एन बी सी का पूर्ण रूप है एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। सी टी एस का पूर्ण रूप या सी टी एस का अर्थ क्या है? तो सी टी एस का अर्थ है चेक ट्रांजेक्शन, ठीक है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम है सी टी एस का पूर्ण रूप। स्विफ्ट में आई का विस्तारित कीजिए। तो स्विफ्ट में आई का विस्तारित क्या है, विस्तारित रूप क्या है? इंटर बैंक है, ठीक है। तो स्विफ्ट में जो आई का विस्तारित रूप है इंटर बैंक है। आर एफ आई डी में संक्षिप्त आर को विस्तारित करें। तो आर एफ आई डी में जो है आर का पूर्ण रूप क्या है? रेडियो है। रुपए पर आधारित यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नई भुगतान कार्ड योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वीजा और मास्टर कार्ड जैसे वैश्विक कार्ड नेटवर्क के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। बेसल फंड बेसल समिति द्वारा निर्धारित तीन विनियमों में से एक है, जिसे 1988 में पेश किया गया था। यह पूरी तरह से किस पर केंद्रित है? साख जोखिम पर केंद्रित है बेसल फंड, ठीक है। बेसल फंड को जो है 1988 में पेश किया गया था। यह पूरी तरह से जो है साख जोखिम पर केंद्रित था। भारत में 1999 में जो है बेसल फंड को दिशा निर्देशों के अनुसार जो है अपनाया गया था। भारत में साख जोखिम क्या है? साख जोखिम जो है ऋण चुकाने को जो पूरा करने में उधारकर्ता किसी विफलता के कारण जो है परिणाम स्वरूप होने वाले हानि की संभावना को जो है साख जोखिम कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अल्पावधि उधार दर, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से धन उधार लेता है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये जो है रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। अल्पावधि उधार दर, जिस पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से धन उधार लेता है, उसको जो है रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। एटीएम और नेट बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने के संबंध में बेजोड़ ज्ञात कीजिए। तो बेजोड़ ज्ञात करना है, यानी कि जो सही नहीं है उसको ज्ञात करना है। तो अपना एटीएम कार्ड साझा ना करें, या अपना पिन साझा ना करें, या फिर नियमित अंतराल पर अपना पिन ना बदलें, और अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड साझा ना करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3, ठीक है, नियमित अंतराल पर अपना पिन ना बदलें। तो इसमें जो है पिन आपको जो है बदलना चाहो तो आप जो है एप्लीकेशन देखिए आप बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंक का अपने लक्ष्य स्तरों पर लाभ उत्पन्न करने में असमर्थता से संबंधित जोखिम को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है?
व्यावसायिक जोखिम के नाम पर जो है जाना जाता है। कैमल ट्रैकिंग फ्रेमवर्क देश के पैमाने में किसी भी बैंकिंग संस्था का मूल्यांकन करता है। तो 1 से 5 जो है कैमल रेटिंग फ्रेमवर्क 1 से 5 के पैमाने में किसी भी बैंकिंग संस्था का मूल्यांकन करता है। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा मई 2020 में इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? तो SBI द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था मई 2020 में इको रैप रिपोर्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी बैंकिंग या किसी कंपनी या बैंक द्वारा अपने अल्पकालिक वित्तीय ऋण का भुगतान करने में असमर्थता को खालिस्तान जोखिम कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? लिक्विडिटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, एक्सिस बैंक का जो है टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी है। एक्सिस बैंक भारत में 4,500 प्लस शाखाओं वाला निजी क्षेत्र का सबसे तीसरा जो है तीसरा सबसे बड़ा बैंक है भारत का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसकी अनुशंसा पर अग्रणी बैंक प्रणाली प्रारंभ की गई? तो किसकी प्रशंसा पर की गई थी, अनुशंसा पर की गई थी? नरीमन समिति के द्वारा जो है की गई थी अग्रणी बैंक प्रणाली का प्रारंभ। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है ऋण के प्रवाह में सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जो है नरीमन समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति में जो है अग्रणी बैंक प्रणाली की सिफारिश जो है कब किया था, जिसे जो है 1970 में शुरू किया गया था नरीमन समिति को। ठीक है, नरीमन समिति का नेतृत्व जो है FKF नरीमन ने किया था, जो उस समय यूनियन बैंक के जो है यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संरक्षक थे। कौन? नरीमन, यानी कि FKF नरीमन। और इस समिति में जो है RBI वाणिज्यिक बैंक सहकारी बैंक और सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे नरीमन समिति में। म्यूचुअल फंड में NAV का अर्थ क्या है? तो NAV का जो है अर्थ है शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करिएगा। और आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, आंसर के आप जो है आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। PDF यानी कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।